ये पहले आप ये वीडियो देखो इस 2% की घटिया यूट्यूबर की, अफगान भाई के नाम से इसका यूट्यूब चैनल है, फिर देखते हैं। राशिद खान के पटके भाई राशिद खान ने पटक दिया भाई ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भाई, मजा आ गया भाई। यकीन करें राशिद खान की बैटिंग देख के ना भाई हंस हंस के पागल हो गया हूं मैं भाई हारे भी तो कोई टेंशन नहीं है यार, क्या दोया है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को राशिद खान ने, इब्राहिम जदरान ने भाई, हशमत और रहमत थोड़ा स्लो खेल गया, नहीं तो भाई आज 350 जो है वो रन्स बनते यार। ये दो रहमत और हशमत हमेशा स्लो खेलते हैं, ये थोड़ा हिम्मत दिखा देते, राशिद खान जितना हिम्मत दिखा देते तो भाई कुछ हो जाता। अरे भाई 18 पे 35 रन्स बनाए हैं राशिद खान ने भाई, क्या बात है लाले दी जान, क्या बात है देखो भाई। और 143 पे 129 इब्राहिम जदरान क्या आए हैं भाई, जबरदस्त भाई, क्या इनिंग है। इसको कहते हैं टक्कर का मुकाबला, इसको कहते हैं टक्कर का मुकाबला। पाकिस्तान पूरा ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा है, मैं कहता हूं पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करे, अफगानिस्तान आज हार क्यों ना जाए भाई, लेकिन क्या केला है भाई, क्या इनिंग के लिए है भाई। इब्राहिम जदरान ने आज सेंचुरी ठोक दी भाई, सेंचुरी ठोक दी ऑस्ट्रेलिया को। और भाई राशिद खान को थोड़ा एक दो आवर और मिल जाता ना तो भाई आग लगा देता ये बंदा। वीडियो आपने देखा कितना हंस रहा है, कितना हंस रहा है कि क्या जो है ना राशिद खान ने ठोका, 18 गेंदों पे इतने स्कोर मार दिए। इब्राहिम बहुत अच्छा खेला, नो डाउट बहुत अच्छा इब्राहिम खेला, अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी खेली आज, नो डाउट। लेकिन तू हंस क्यों रहा है, तेरी औकात है ऑस्ट्रेलिया से जीतने की, तेरा लेवल है ऑस्ट्रेलिया से जीतने का, तू इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, तू तेरे पास इतनी ताकत आ गई है कि तू ऑस्ट्रेलिया को सास को जब आउट हुए तब ये बहुत खुश था, अभी तक इसकी वीडियो नहीं आई। सास को जब सात खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो गए तो बड़ा हंस रहा था, ओए होए 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 होए, बड़ा एंजॉय कर रहा था। फिर सबका बाप आया, सबका अबू जी आए जिसको मैक्सवेल बोलते हैं, जो तेरा भी शायद बाप होगा पठान भाई, सारे अफगानियों की बात नहीं कर रहा तेरा, क्योंकि तूने कल पाकिस्तानी को गाली दी बंगालियों के वजह से, बंगालियों ने गलत छीन लिया तो तूने अपने बाप को गाली दी, पाकिस्तानी को गाली दी, तो पाकिस्तान की वो हराम की औलाद है जिसको हमने 15-20 साल हमने अपने घर में रखा, हमने पाला, तू वो हमारी हराम की औलाद है। लेकिन नो प्रॉब्लम, चिल एंजॉय। आज देखा कैसा ठोका मैक्सवेल ने, कैसी तुम्हारी फाड़ के रख दी, कैसी तुम्हारी ऐसी की तैसी फेरी मैक्सवेल ने, आई समझ। अभी बोल बोलना इतनी खुशी हमें कभी नहीं मिली जितनी आज खुशी दी अफगानिस्तान ने, क्योंकि तुम मुनाफिक हो, सिर्फ तेरी बात कर रहा हूं, तेरे जैसे कुछ और भी अफगानी, हम हमेशा आपको भाई का दर्जा देते हैं, लेकिन तुम हो तो हमारे भाई लेकिन अब्बा जी की नजायज औलाद हो, इसलिए तुम इतने नमक हराम हो। आज भी तुम्हारे आधे से ज्यादा अफगानी पाकिस्तान की धरती के अंदर समाये हुए, हमने कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उन्हीं को निकाल रहे हैं जो तेरी तरह की घटिया सोच के मालिक थे, अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते थे। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने जो तुम्हारी मंजी ठोकी है, आज ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हारी ऐसी की तैसी फेरी है, आज ऑस्ट्रेलिया ने जो तुमको रगड़ा है, और मैक्सवेल तुम्हारी सात नस्लें याद करेंगी कि ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन था मैक्सवेल उसका नाम था, और क्या खेला, क्या उसने हमें पेला, क्या उसने हमें रगड़ा, क्या उसने हमें ठोका, क्या उसने हमारी ऐसी की तैसी फेरी, क्या वो प्लेयर है, क्या उसकी क्लास है, क्या उसका लेवल है। तुम क्या समझे तुम्हारे हिसाब से विकेट बनवाकर तुम्हारे हिसाब से तुम मैच जीत जाओगे, तुम्हारी हैसियत क्या है इस वर्ल्ड कप के अंदर, तुम जीते क्यों आज तक वर्ल्ड कप के अंदर, क्या जीते हो। पाकिस्तान
के अलावा दो तीन मैच और जीत गए हो तो तुम खुद को चैंपियन समझना शुरू हो गए। हमने सिखाया तुमको, तू वो पिल्ला है जिसको हमने अपना दूध पिला के इतनी बड़ी टीम बनाया, तू हमें बोलता है कि पाकिस्तानी हरामी है, तू हरामी है साले गंदी नाली के गंदे कीड़े तू। मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं कि कल साकिब अल हसन ने जो डिसीजन लिया उसने क्रिकेट की तुहीन की, मुसलमानों की तुहीन की, अपने मुल्क की तुहीन की, उसने घटिया डिसीजन लिया, लेकिन रूल इज रूल। आज मैक्सवेल मर रहा था, उसे चला नहीं जा रहा था, अपने बाप राशिद साहब को बोलता ना उसको जो है रनर ले देते, क्यों नहीं रनर लिया उसने, रूल इज रूल। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि साकिब अल हसन की घटिया हरकत थी, उसने गलत किया, रॉन्ग किया, और शायद उसने मुसलमानों का सर शर से झुका दिया। तू इंडिया की फेवर लेने के लिए, इंडिया की गोद में बैठने के लिए और झूठी मोहब्बत प्यार इंडियन लोगों के साथ जिता के तो पाकिस्तान को गाली दे रहा है कुत्ते। जितना तू कंजर है उतनी तेरी कंजर सोच है, और शायद तू पाकिस्तान की हराम की औलाद है जिसकी वजह से, ये मैं पठान भाई की बात कर रहा हूँ जो एक यूट्यूबर है भाई, तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारे अप्पा जी की नजायज औलाद हो, और खबरदार आइंदा पाकिस्तान को गाली दी वरना तेरी ऐसी की तैसी फेर देंगे। फिर से ऑस्ट्रेलिया कंग्रेचुलेशन, तूने ठंड डाल दी हमारे सीने में। अब ये ना कहना कि मैक्सवेल जो नसीम शाह का कजन था